डोमेन और रेंज की। ठीक है, वैसे तो बता चुके हैं लेकिन एक बार और 2 दिन कर लेते हैं, आज और कल। डोमेन एंड रेंज, एक सेकेंड, ये दिक्कत है। तो हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोल दिया एक्स माइनस थ्री अपॉन 2x प्लस 5। अब मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। डोमेन, डोमेन में क्या होता है कि पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि भाई जो अनरूट में आ रहा है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और अनरूट एक्स में एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो यदि आपका आया पी अपॉन क्यू, तो डिनोमिनेटर क्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट चीज। और रूट एक्स है तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है, रूट में तो आ नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, 2x प्लस 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x का वैल्यू -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू -5/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये मना कर रहा है कि भाई x का वैल्यू -5/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमसे मना क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू -5/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसका, यदि हम बोलेंगे डोमेन की बात, तो हम इसका डोमेन ऐसे लिखेंगे भाई, डोमेन इक्वल टू आर माइनस -5/2, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस। ये इसका डोमेन हो गया भाई। बोलो इसके डोमेन में कोई दिक्कत बताइए। अरे भाई नो सर। आयुषी, डोमेन क्लियर है, कैसे आया? यस सर। तो डोमेन का मतलब अपॉन में आपका जो भी चीज आ रही है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अपॉन में यहाँ पर जो भी आ रहा था हमारा 2x प्लस 5, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये तो पहली चीज होगी। अब मैं इसके रेंज की बात करूंगा भाई, कि रेंज कैसे निकालेंगे इसका। रेंज में, रेंज मतलब वाई, ये एफ एक्स का मतलब होता है वाई। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो जो x x है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले ले, बाकी को राइट हैंड साइड में ले ले, इस तरह से। यहां से x कॉमन आ गया, तो x का वैल्यू आ गया हमारा -3 -5y/2y-1। अब मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में आ रहा है 2y-1, हम बोल रहे हैं 2y-1 विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y का वैल्यू क्या नहीं आएगा, बोलिए y का वैल्यू हमें क्या नहीं मिलेगा,
1/2 तो इसका रेंज आ गया आपका आर माइनस 1/2 दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये इसका रेंज हो गया आई बात समझ में अब इसका कहने का क्या मतलब है इसके कहने का मतलब है कि आप माइनस 5/2 नहीं रख सकते एक्स की जगह और आप जो भी रखोगे लेकिन आपको कभी भी 1/2 नहीं मिलेगा इनपुट है हमारा एक्स मतलब हम एक्स को क्या क्या रख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इनपुट हम एक्स को क्या क्या रख सकते हैं तो इसको बोलते हैं इनपुट तो हम इनपुट क्या क्या कर सकते हैं हम इनपुट में माइनस 5/2 की जगह सब कुछ रख सकते हैं तो इसका डोमेन हो गया आर माइनस माइनस 5/2 और हमें क्या मिलेगा हमें सारी वैल्यू मिलेगी रियल नंबर की लेकिन एक वैल्यू नहीं मिलेगी वो क्या है 1/2 तो इसका रेंज हो गया आर माइनस 1/2 इसका वैल्यू क्या हो गया आर माइनस 1/2 दिस इज द रेंज तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज निकालेंगे क्लियर है बोलिए चलिए एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं ऐसी पहले मैं लीनियर की ले लेता हूं इस तरह की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है डोमेन क्या जीरो नहीं होना चाहिए सी एक्स प्लस डी जीरो नहीं होना चाहिए तो x का वैल्यू माइनस डी बाई सी मतलब x का वैल्यू माइनस डी बाई सी नहीं होना चाहिए तो हमारा डोमेन आ गया r माइनस माइनस डी बाई सी आर मतलब रियल नंबर सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन माइनस डी बाई सी नहीं आए सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन माइनस डी बाई सी नहीं है इसका कहने का मतलब है तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन रेंज रेंज में क्या बोलेंगे हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे वाई ले लेंगे सी एक्स प्लस डी तो ये हो गया आपका सी वाई एक्स सी वाई एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी अब मुझे एक्स एक्स एक तरफ लेना है ये हमने एक्स एक्स एक तरफ ले लिया एक्स कॉमन आ गया तो एक्स का वैल्यू आ गया बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस सी बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस सी अब अपॉन में क्या आ गया भाई सी वाई माइनस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारा वाई का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए भाई वाई का वैल्यू क्या नहीं आएगा हमारे पास बोलिए ए बाई सी नहीं आएगा सो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू आर माइनस ए बाई सी ये इसका रेंज हो गया क्लियर क्लियर यस सर चलिए लिख लीजिए दिस इज डोमेन एंड रेंज तो ये डोमेन और रेंज हो गया
अब एक और टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस वन का मुझे डोमेन और रेंज निकालना। देखते हैं भाई, एफ एक्स इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस वन। अब अंडरूट के अंदर जो भी वैल्यू है डोमेन के लिए, मैंने क्या बोला था, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो x का वैल्यू है वो आपका या तो वन रख सकते हो या वन से ज्यादा रख सकते हो। तो हमारा डोमेन हो गया वन टू इन्फिनिटी, डोमेन हो गया वन टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो। कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। तो ये इसका डोमेन हो गया भाई, कि आपके x माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो रेंज की बात करो, एफ एक्स मतलब y, स्क्वायरिंग कर दो तो x का वैल्यू y स्क्वायर प्लस वन। अब y स्क्वायर प्लस वन, अब देखो ये y है, y को आपको कुछ रखने में दिक्कत थोड़ी आ रही है, ना तो रूट में है y, ना अंडरूट में है, ना अपॉन में है, इसका मतलब y कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको यहाँ y की वैल्यू रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, एवरी वैल्यू। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये एफ एक्स है y, y है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे मैंने बोला रूट फोर, वापस से पूछ रहा हूं रूट फोर की वैल्यू, रूट फोर की वैल्यू प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू। अब देखो तुमने गलत बता दिया ना, टू टू ओनली टू आएगा बेटा, प्लस माइनस टू नहीं है। रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट फोर इज इक्वल टू टू। कभी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आता, मतलब रूट फोर की वैल्यू हमेशा टू आएगी। तो यहां पर ये रूट है और अंदर आपने बोला पॉजिटिव वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, देखो इसका सॉल्यूशन, वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वाई एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो वाई नेगेटिव होगा तो वाई कहां से क्या होगा भाई, या तो वाई की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी। इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, ये आपकी रेंज होगी। आया क्या समझ में? इसका रेंज आ गया जीरो टू इंफिनिटी। भाई आपको यहां से पता लग रहा है कि वाई तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हमें यहां से पता लग गया कि वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो नेगेटिव नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो जीरो आएगी या जीरो से ज्यादा आएगी। आया क्लियर है क्या? बोलो बेटा भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलो, अपन डिस्कस करने के लिए तैयार हैं कि भाई ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता या पॉजिटिव ही क्यों हो सकता है, और क्लियर है तो आगे चलो। सर इसमें y की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं निकाली? पिछले वाले की तरह ही तो निकाली है। Should not be equal to zero करके। तो उसमें अपॉन में तो कुछ आ ही नहीं रहा, कैसे not be equal to zero करूँ?
ओके सर। भाई आपका एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस वन। अब मैंने तुझसे पूछा, तुमसे आपसे मैंने आपसे पूछा कि भाई वाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ भी रख दीजिए। आप नेगेटिव रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके हिसाब से वाई की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब वाई रियल नंबर है, मतलब इसका रेंज रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन आपने बोला वाई है अनरूट एक्स माइनस वन, तो अनरूट का मतलब है कि वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो आपको नेगेटिव वालों को हटा दो, बाकी जो बचा वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द डोमेन रेंज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है नेक्स्ट वन, क्योंकि आपके बुक में यही है रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अनरूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना, इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आ रहा हूं। डोमेन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, हमने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, जीरो या जीरो से। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, सबको पता है। यहां तक ये तीन लाइन जो लिखी है इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 9 होगी या 9 से कम होगी, बोलो। नो सर। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब इनइक्वालिटी आती है और कोई भी स्क्वायर वैल्यू आ रही है, तो जब हम इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ऐसा आता है बेटा, इस तरह से आता है। इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरह से लिखना पड़ता है, मॉड एक्स मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू जो है वो -3 और +3 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। भाई मैं यहां पर आपको दो कंसेप्ट बता रहा हूं। पहला कंसेप्ट है कि यदि आपसे कभी लिखा हुआ आ जाए मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है एक्स का वैल्यू -a से +a के बीच में होता है, पहला कंसेप्ट। प्रूव करने के लिए आप बोलोगे तो प्रूव करके भी बता दूंगा। दूसरा, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -a है या एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो कंसेप्ट जो आपको याद रखने से और हर जगह काम में आए। पहला, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। और दूसरा कंसेप्ट, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए।
ये कंसेप्ट है। अब यहां पर आया मोडस मोडलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच। तो बेटा इसका डोमेन हो गया आपका माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री, ये इसका डोमेन हो गया। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। रेंज y, y इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अनरूट के अंदर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल वैसे के वैसे करा, वही सेम करा, माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन इक्वल टू नाइन, स्क्वायर रूट लिया तो मोडलस वाई लेस देन इक्वल टू थ्री। अब मोडलस वाई लेस देन इक्वल टू थ्री का मतलब वाई की वैल्यू किस किसके बीच में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, वही वापस से किसके बीच में आनी चाहिए, बोलिए। जैसे ऐसे लिखा है वैसे ही यहां आएगा, y की वैल्यू किस किस के बीच में आनी चाहिए, माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री के बीच में आनी चाहिए। लेकिन बेटा ये y लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप क्या लिखोगे? y cannot be नेगेटिव। So therefore, y is greater than equal to zero. Zero से स्टार्ट होगी भाई, जीरो टू थ्री, तो हमारा रेंज आ गया जीरो टू थ्री। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा रेंज क्या आ गया? जीरो टू थ्री। इस तरह से इस फंक्शन का रेंज निकलेगा। अब बोलो भाई कहां पर किसको क्या दिक्कत आई, बोलिए। अभी तो इस वाले प्रॉब्लम में जो भी बताया उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आई वो बताइए। कोई कंसेप्ट में दिक्कत आई तो वो बोलो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वो बोलो, बोलिए। चलिए ये यहां तक हो गया अपना। एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, भाई कल भी क्लास रहेगी, मैं पिछली बार नहीं ले पाया था किसी वजह से, लेकिन कल क्लास लूंगा क्योंकि कल भी नहीं हो पाई थी लाइट की वजह से, अभी भी मुझे घर आके लेना पड़ रहा है। ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। मुझे डोमेन और रेंज निकालना। डोमेन एफ एक्स इक्वल टू अनरूट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी, तो हम बोलेंगे बेटा अनरूट के अंदर जो भी वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन, तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा, मोडलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर का क्या मतलब होता है कि या तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर होगा या x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगा। तो इसका डोमेन आ गया हमारा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस फोर,
यूनियन 4 टू इंफिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस, ये इसका डोमेन होगी। क्लियर? बोलिए। एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इसमें कोई डाउट? बोलिए भाई, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भाई आगे देखो। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज एफ एक्स मतलब वाई, वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60, स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स की वैल्यू अनरूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो क्या बेटा वाई स्क्वायर प्लस 16 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए? होती है कि वो ना कहीं दिक्कत आती है? वाई स्क्वायर प्लस 16 हमेशा जीरो से ज्यादा होगी कि कहीं दिक्कत आती है? बोलिए, कुछ भी रखो ना वाई की वैल्यू, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना कभी भी। यस सर। इसका मतलब मैं वाई की वैल्यू कुछ भी रख दूं इसको कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? वाई की वैल्यू आपको कुछ भी रखने पे कोई दिक्कत आ रही है कि, ये बताओ मुझे। नो सर, नहीं आ रही। वो हमेशा कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब वाई कैन टेक एनी वैल्यू, रियल वैल्यू भाई, वाई कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकती है। बट इसका ध्यान रख, y के नॉट भी क्या नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारा रेंज आ गया जीरो टू इन्फिनिटी, रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी आया। क्लियर? यस सर। चलिए, ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। अक्षत तुम्हारे पेपर कब से हैं? अभी कोई आइडिया नहीं? हाँ सर, अभी तो डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है सर, फिर भी मार्च के फर्स्ट वीक से बता रहे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में ना, अभी तो अपने पास फरवरी पूरा है, आज के तारीख 5। तो एक काम करते हैं पहले भाई, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा देते ताकि 11th का काम पूरा और फिर इधर का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके सर। क्योंकि बेटा फरवरी फरवरी में तुम्हारा एंड करेंगे और फिर ना जिसको भी पढ़ना होगा 12th, फिर 12th स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, अब जैसे तुम्हारे वहां पर तो है ना 23 तारीख, 21 तारीख से चालू कर रहे हैं वो, है क्यों अनिक्षा हो रही है, ऐसा किसी ने बताया था मुझे? यस सर। हाँ, तो अपन भी उसके आसपास ही करेंगे, 23 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लेना, आपका 11th का पार्ट 21-22 तक रहेगा, फिर आप अपना जो भी डिसीजन लेना वो ले लेना, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू
अनरूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अभी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, आपके एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अनरूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, यदि मैं डोमेन की बात करता हूं तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन का यूज कैसे होता है बेटा समझो। ऊपर वाला वैल्यू जीरो कब हो रहा है भाई बोलो? ऊपर वाला वैल्यू वन, तो प्लस वन ये मैंने मार्क कर दिया। नीचे वाला वैल्यू जीरो कब हो सकता है भाई? किसी ने बोला सर हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जीरो मतलब इसको नीचे वाले को जीरो कर रहे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ रही, इसको भी मार्क कर दिए। फिर आप ये बोल रहे सर टू नहीं हो सकता, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नंबर लाइन पर मार्क करने की। एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमेशा यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट चलता है इधर से, इस जगह इधर की तरफ से कैसे चलता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा ये मेथड कहलाता है आपका वेवी कर्व मेथड। जो कि 12th क्लास में पूरे इसी मेथड पे काम होता है। तो ये वाला मेथड समझिए कि कैसे होता है, आपको जो भी मार्क करना है कर दिया। बस एक चीज ध्यान रखनी है, मैं वापस से बोल रहा हूं, इनकी पावर ओड होनी चाहिए। जैसे ये पावर वन है, ये पावर वन है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ओड होनी चाहिए बस पावर, ये चीज आपको समझ। तो वो अभी आपके 11th में अभी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूँ ओड पावर वाला ही है। तो ये हो गया आपका x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, आपने इनको मार्क कर लिया, इधर से प्लस माइनस प्लस चल रहा है। अब ये क्या लिख रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है बेटा आपका? इस नंबर लाइन पे देखो कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर वन तक आ रहा है और टू से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन जो हुआ एक्स बिलोंग्स टू, देखो माइनस इनफाइनाइट टू वन, वन के लिए बारे में डिसीजन यहां से लेंगे। वन न्यूमरेटर से मिल रहा है इसलिए वन इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू जीरो है यूनियन। टू इंक्लूड नहीं होगा, पहले ही मना कर चुका था, अब टू इनफाइनाइट, दिस इज द डोमेन, ये इस फंक्शन का डोमेन हो। मतलब आप x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो और 2 से इनफाइनाइट के बीच में कोई सी वैल्यू ले सकते हो। यदि ऐसी वैल्यू लोगे तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने बोला सर ऐसे कैसे, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, सपोज आपने 0 ली, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 1 बाय 2 आ रहा पॉजिटिव, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इस रेंज में जो भी वैल्यू लोगे उस पर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसका डोमेन आ गया माइनस इनफाइनाइट टू वन यूनियन टू टू। क्लियर है? डोमेन में कोई डाउट बोलिए। रेंज थोड़ा सा हार्ड है, रेंज में आपका आई थिंक मैं पहली बार ही ये कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें रेंज का, डिजाइन कर ले क्या? अभी तो टाइम है, दो मिनट ही तो है। हाँ तो फिर वो दो मिनट के बाद तो खत्म ही हो जाएगी क्लास, फिर अगली क्लास चालू हो जाएगी मेरी, चक्कर ही 53 तो हो चुके हैं ना वैसे। वाई स्क्वायर कल कर लेंगे, कल कोई दिक्कत। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई,
एक्स एक्स एक तरफ ले लो, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स की वैल्यू आ गई वह टू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, अपॉन में आ रहा है तो वाई स्क्वायर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन, तो बेटा वाई की वैल्यू ना तो प्लस वन हो सकती है ना माइनस वन हो सकती है, वाई नेगेटिव भी नहीं आएगा, वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाई नेगेटिव नहीं होगा और वाई वन भी नहीं होगा, वाई की वैल्यू वन भी नहीं आएगी, तो बेटा इसका रेंज आ गया आपका जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन, जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन मतलब आपका जीरो से इंफाइनिट में आपको हर एक वैल्यू मिलेगी लेकिन उसमें आपको वन नहीं मिलेगा, आपको वन नहीं मिलेगा, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह की प्रॉब्लम अपन कल डिस्कस करेंगे वापस से तीन से चार, कल का टाइमिंग वही वापस से तीन से चार, ठीक है ना बेटा, चलिए।